एवरीवन वेलकम बैक. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल. मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. अगर आप बहुत घंटे घंटों देखते हो वीडियोस को, टेक्निक्स को सीखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहे हो, एनर्जी वर्क को सीख रहे हो, बट अगर आप ये कुछ बातें जो मैं आज बताने वाली हूँ आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका आधा काम वहीं पे बिगड़ रहा है. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत बेसिक हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशंस में, आपकी खुद की लाइफ में, आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं. ठीक है, ये बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशंस के बारे में. आप सब ने सुना है कि वाइब्रेशंस को इन्हांस करो, हाई वाइब्रेशन में रहो, एंड अगर हाई वाइब्रेशन में रहोगे मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी. ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी एंड मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में बातों को बोला है. ठीक है, अब हाई वाइब्रेशन एंड लो वाइब्रेशन क्या है? अगर हाई वाइब्रेशन है तो लो वाइब्रेशन भी तो है ना. Everyone is talking about high vibration, ये ऐसे करो वैसे करो, but क्या नहीं करना है इस journey में वो आज हम लोग discuss करने वाले हैं. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप जाने अनजाने में कर रहे हैं तो please सतर्क हो जाएं, इसे as a warning video देख लीजिए. ठीक है, मे बी क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो, universe का message हो कि ये तुम्हें नहीं करना है. तो प्लीज़ इसको ओपन माइंड होके सुनो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो एंड एक साइड आप लो वाइब्रेशनल चीज़ों को कर रहे हो या फिर एक्टिविटीज़ को कर रहे हो तो आपकी मेहनत जो है 100% एफर्ट्स आप लगा रहे हो वो पूरे आपको रिजल्ट नहीं देगी. ठीक है, या फिर अगर होगा तो बहुत लेट होगा, जल्दी चीज़ें नहीं होंगी. अगर आपने सुना होगा एक टेक्निक है, टेक्निक का या कुछ भी डांसिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो डांस करता है, बॉडी को मूव करता है एंड बॉडी को मूव करते करते डांस में खोते हुए दैट पर्सन सिंपली विजुलाइज जो भी उसका गोल है, मैनिफेस्ट करना चाहता है, कुछ भी विश है, दैट पर्सन सिंपली विजुलाइज इट. ठीक है, डांस जब बॉडी मूवमेंट होती है, आप योगा करते हो, वर्कआउट करते हो, आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, थकान हो, कुछ नेगेटिविटी हो, एनीथिंग, माइंड में टेंशंस हो, वर्कआउट या डांस करने के बाद यू फील बेटर. ठीक है, एक ये रीज़न मेरा भी है जिस इसी रीज़न की वजह से आई डू वर्कआउट डेली. पहली चीज़ आपका रूट चक्रा मजबूत होता है. ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखता है वर्कआउट करना. एंड अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट विल रियली हेल्प. या फिर नॉर्मली वॉक भी आप कर सकते हो. वॉकिंग मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, डांसिंग मैनिफेस्टेशन. तो बेसिकली यहाँ पे हम वाइब्रेशंस को हाई करते हैं. जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं उस टाइम पे जो भी हम थॉट देते हैं यूनिवर्स में वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है, यानी कि जो वो बात है वो जल्दी यूनिवर्स तक पहुँचती है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर हम वाइब्रेशंस को इमोशंस में देखें तो बहुत सिंपल है समझना. अगर आप सपोज करें आपका कोई काम है या फिर आप सपोज करो आपका रिजल्ट आया है एंड आपने टॉप किया है, हाउ वुड यू फील? ऑब्वियसली अच्छा फील करोगे, रोगे नहीं, दुखी नहीं होगे, परेशान फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, राइट? उस टाइम पे सब लोग खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, हाउ वुड यू फील? हाई वाइब्रेशन होगी आपकी, राइट? अगर आप सपोज करें कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर कुछ भी हो गया, आप रो रहे हो, डिप्रेस्ड हो, या फिर कोई भी इशू आपकी लाइफ में है, आप एक हैवीनेस चेस्ट पे फील कर रहे हो, अंदर से उस पेन को फील कर रहे हो, आप रो रहे हो दुख में. रोना डजंट मीन कि आप लो वाइब्रेशन में हो तभी रोगे, नो, आप खुशी में भी रोते हो तो रोने का कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप किस इमोशन के साथ रो रहे हो ये डिफरेंस है. ठीक है, जब आप सैड होते हो यानी कि आपकी लो वाइब्रेशन होती है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप जेलसी फील कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हो, यू आर आप अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हो. बट अगर आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो यूनिवर्स को, हैप्पी हो, थैंक यू बोल रहे हो हर चीज़ को, औरों को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, एंड अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक, ये क्या करता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है. अगर हम इमोशनली देखे जाए तो जितने भी अच्छे इमोशन है, हैप्पी होना, काम रहना, पीसफुल स्टेट में रहना, तो वॉट इज इट? हाई वाइब्रेशन. ठीक है, एंड आप अपने आप से फील करते हो, आई डोंट हैव टू टेल यू कि आप लो में हो या हाई में हो, आप खुद से ये इमोशन अगर फील करोगे तो डेफिनेटली आप हाई वाइब्रेशन में हो. बट अगर आप सैड हो, जेलेसी में हो या कुछ भी हो, आपको खुद को पता है कि आपकी वाइब्रेशंस डाउन जा रही हैं. ठीक है, सो यू नो दिस इनसाइड. ठीक, अब एक चीज याद रखना, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं. ऑल्सो आपने एक और चीज सुनी होगी, जो एंजल्स होते हैं या फिर जो गॉड होते हैं उनकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? हाई होती हैं. इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दैट सुप्रीम पावर,
ठीक है, या फिर उस यूनिवर्स की पावर से, एंजल्स से, आर्कएंजल्स से कनेक्ट करना है, वाइब्रेशन को इंक्रीज करो, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर रही हैं। मे बी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करूँ, जिससे अगर आप में से कोई भी कैसे भी इस टाइप की गलती कर रहा है तो प्लीज वो वहीं रुक जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज है हमारा खाना, हम क्या चीज खा रहे हैं। जो चीज हम खाते हैं वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पे तो इफेक्ट करता ही है, ठीक है, ऑल्सो हमारी एनर्जी पे, हमारे ऑरा पे, हमारी वाइब्रेशन पे भी इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। सपोज करें खाना दो टाइप का होता है, डेड फूड एंड लिविंग फूड, दो टाइप के खाने होते हैं, ठीक है। डेड फूड में इज नॉट ऑलवेज अबाउट नॉनवेज, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो नॉनवेज डेफिनेटली लो वाइब्रेशनल फूड है, ठीक है। डेड फूड में और क्या आता है, पैकेज्ड चीजें होती हैं, पता नहीं कब से पैक्ड होती हैं, चिप्स हो गए या फिर बिस्किट्स हो गए, बट ये बेसिकली जो खाना है ये आपका, आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर रहा है, ठीक है। अभी सी आई एम नॉट जजिंग एनीवन कौन नॉनवेज खाता है कौन नॉनवेज नहीं खाता है, इट्स टोटली योर पर्सनल कॉल। एंड ऐसा नहीं, काफी कंट्रीज में जो और विचेस हैं दे आर स्पिरिचुअल एंड एट द सेम टाइम वो नॉनवेज खाती हैं, बट दे नो हाउ टू बैलेंस देयर एनर्जीज, दे नो हाउ टू रेज देयर वाइब्रेशन, बट ये चीज़ें सबको नहीं मालूम होती हैं, राइट। तो सी अगर जिस कोई जानवर है, जब हम उसे मारते हैं, आपको कोई मारेगा, आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी, डर, फियर, एंगर। एंड जब आप उसको, उसके मीट को, उसके मांस को कंज्यूम करोगे, खाओगे, वो आपकी बॉडी में लगेगा, राइट। आप इसे स्पिरिचुअली सोचें, आप अभी फूड चेन को भूल जाएं अगर आप उनमें से हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशंस डाउन जाएंगी, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जाता है जो लोग स्पिरिचुअल हैं दे शुड नॉट ईट नॉन वेज, क्यों, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है, ये एक मेन रीजन है, वाइब्रेशन आपकी लो जाएंगी, है ना। नॉन वेज खाना है नहीं खाना है इट्स टोटली योर कॉल, बट बेसिकली इससे आपकी वाइब्रेशन डाउन होंगी। अगर आप उनमें से जो बहुत जल्दी एनर्जी पिक करते हो तो डेफिनेटली ऐसे खाने भी बहुत जल्दी आपकी बॉडी को, आपके ऑरा को लगते हैं, उस हिसाब से आपका, जैसा आपका ऑरा, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नॉनवेज खाते हो, फियर, एंगर या बहुत से इमोशंस, ऐसे लो वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, खाओगे तो आपके ऑरा में आएंगे, आपकी वाइब्रेशंस पे इफेक्ट करेंगे, एंड वही सेम चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी काम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड, अगर आप लिविंग फूड खाएंगे जैसे कि फ्रूट्स, सैलड, ये आपकी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वाटर की। हमारी जो बॉडी है, मैक्सिमम जो हमारा बड़ा एलिमेंट जो है वो है वाटर, ठीक है। वाटर अगर आप जितना कंज्यूम करेंगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, बट एक और चीज मैटर करती है, डेड वाटर कंज्यूम कर रहे हो या फिर लिविंग वाटर, रनिंग वाटर हो गया, फिर जो चलता फिरता पानी होता है लाइक नदी का पानी हो गया, फिर टैप वाटर भी आप कह सकते हैं अगर आप डायरेक्टली वैसा पीते हैं, तो फाइन। जो बॉटल्स होती हैं जैसे बिस्लरी की, पानी की बॉटल्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये क्या है, ये डेड वाटर है, पता नहीं कब से रखा हुआ है प्रिजर्व करके, एंड उसके बाद हमें प्यास लगी, हमने खरीदा एंड वी जस्ट, ठीक है, कंज्यूम कर लिया। तो ट्राई करें ताज़ा पानी पीने की, ठीक है। रखा हुआ बहुत दिन का, हफ्तों का या फिर तीन चार दिन का, एक पूरे दिन का, ट्राई करो बिल्कुल फ्रेश पानी पीने की, मैं सिंपल सही कह रही हूँ, ये भी आपकी वाइब्रेशन पे इफेक्ट करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बट आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कभी कभी क्या होता है, हम किसी जगह जाते हैं एंड एकदम से हमारा हार्ट हैवी जाता है, या फिर हमारा सोलर प्लेक्सस या फिर हमारा हार्ट चक्रा हैवी जाता है, वाई इज इट सो, ठीक है। क्या पता उस जगह में कुछ ऐसी चीज हुई हो, किसी की आर्ग्यूमेंट हुई हो, कुछ नेगेटिव बातें हुई हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी घटना घटी उस जगह पे जहाँ की उसकी जो एनर्जी है वो उस जगह अभी भी है। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम जाते हैं एंड एकदम से हैवी फील करते हैं, हैवी फील करना यानी कि अजीब सा फील करना एंड हमारी वाइब्रेशन डाउन, तो ये भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लोग। लोग जो होते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन जो होता है एक सोशल एनिमल है, बट लोग जो होते हैं उसके आसपास के लोग होते हैं वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी खुद की मैनिफेस्टेशन पे, उसके ऑरा पे बहुत चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो अगर सपोज कर आप क्राउडेड एरिया में हैं, सपोज आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, राइट, बहुत सारे लोग हैं, टेंशन में है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, एंड दे आर लाइक थिंकिंग कॉन्स्टेंटली। जब आप उनके आसपास बैठते हो या मतलब जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप भी उनकी एनर्जी कैच करोगे, आपका ऑरा भी वो चीज़ कैच करेगा। अब सपोज करो आप कहीं पे गए हैं एंड कोई पर्सन आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उस पर्सन की एनर्जी भी आप पे इफेक्ट करती है। दैट इज़ वाई काफ़ी ऐसे प्रोटेक्शन रिचुअल्स होते हैं जिससे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। दैट इज वाई प्रोटेक्शन मैजिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू शील्ड योर सेल्फ, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो लोग बहुत सिंपल चीजों में जाना चाहते हैं, लर्न रीकी,
रेकी सीखो, उससे आप प्रोटेक्शन भी सीख जाओगे अपनी एंड क्लेंजिंग करना भी सीख जाओगे। जो आपने नेगेटिव एनर्जी पिक करी औरों से, जस्ट क्लेंज इट। सिंबल्स होते हैं रेकी के, जैसे ड्रॉ करोगे कुछ सेकंड में क्लेंजिंग हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉन्स्टेंट वरी एंड ओवर थिंकिंग। आप किसी टॉपिक के बारे में बार 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 सोच रहे हो, अपना ध्यान वहां से हटा ही नहीं रहे हो, आप अपनी वरी को मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, अपनी वाइब्रेशन को भी डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी चीज के बारे में लाइक ऑब्सेस्डली सोचे जा रहे हो, अपने आप को अपना ध्यान नहीं बटा रहे हो, देन अगेन वो आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। देन अगेन वो कहाँ पे इफेक्ट करता है, आपके और आपकी वाइब्रेशन पे एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पे। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सबसे ज्यादा मुझे लगता है पर्सनली टीवी एंड न्यूज चैनल्स, अपडेटेड रहना इज अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट, बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट मैं न्यूज चैनल्स नहीं देखती हूँ, मैं खोलती भी नहीं हूँ। एनीवेज मैं टीवी नहीं देखती, बट जब मेरे घर में नीचे चल रहा होता है, लाइक मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मैं नीचे जब पेरेंट्स के पास जाती हूँ, आई डोंट नो वाई आई टेल देम लाइक एवरी टाइम प्लीज इतना मत देखो, बिकॉज जब वो खाना भी खा रहे होते हैं तो उनका न्यूज चैनल चल रहा होता है जिसमें मार कटाई की बातें होती हैं कि आज इसका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई पर्सनली ऑब्वियसली बात है आई एम इन टू दिस फील्ड, बट हर एक कोई चीजें फॉलो नहीं करता है, अननोइंगली दे आर मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स। अब जैसा आप अपने माइंड को ब्रेन को फीड करोगे वैसी चीजें होंगी आपके साथ, राइट? टेंशंस, फिर नेगेटिविटी, वो सब चीजें। एंड जब आप खाना खाते हुए न्यूज देखते हो या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्टेंट आप कंज्यूम करते हो, ब्रेन में भी एंड पेट में भी वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। खाना हो गया, पानी हो गया, ये चीजें क्या करती हैं, ये जो भी चीजें हो रही होती हैं आसपास उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड व्हेन यू कंज्यूम इट इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन योर वाइब्रेशन, लो जाती है, ठीक है। तो आप जो जब भी खाना खाते हो, पानी पीते हो, मेक श्योर कि आपके जो थॉट्स हो पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल रहे, या फिर कुछ सोचें ही ना, सोचे तो अच्छा सोचें, ग्रैटिट्यूड सोचें, और व्हेनेवर यू नो कंज्यूम योर फूड और कैसे पानी पीते हो, जस्ट डू होपोनोपोनो प्रेयर, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ या फिर खाना खाती हूँ पीती हूँ, मेरे माइंड में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मेरी हीलिंग भी कर रहा है, मुझे बचा भी रहा है, तो ये बहुत चीजें करता है। ये जो प्रेयर है ये बहुत ही मैजिकल है, मैंने इसके बारे में बहुत बातें करी हैं, बिकॉज सच में ये प्रेयर बहुत मैजिकल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मैंने जैसे कहा खाने की बातें, अब जैसे जंक फूड हो गए, बेवरेजेस हो गए, ये भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करते हैं, ठीक है। बेवरेजेस में लाइक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर टाइप की चीज़ें, लाइक ऑब्वियसली डेड फूड में ही आता है ये, कब का रखा हुआ था वी डोंट नो, है ना। एंड जंक फूड होता है, ऑयलीनेस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, सपोज करें कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं एंड आपने किसी शेफ के हाथ का खाना खाया, ऑब्वियसली तो क्या होता है कि सपोज करें जो शेफ है प्रेशर में काम कर रहा है, टेंशन में है, घर की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है उस बेचारे को, एंड ही इज कुकिंग, राइट? वो अपनी एनर्जी उसमें डाल रहा है, एंड नाउ यू आर कंज्यूमिंग दैट सेम फूड, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर वाइब्रेशन, ठीक है। तो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप रेस्टोरेंट जाना छोड़ दो, बिकॉज ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर आप अपना सिंपल सा सात्विक फूड बना सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी सोल भी अच्छी होगी, धीरे धीरे आपकी क्लेंजिंग भी होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या चीज आपकी वाइब्रेशन को लो करती है? मेसीनेस, क्लटर। आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो वो चीजें मैटर करती है। एग्जाम्पल वास्तु हो गया, जहां पे चीज रखी है वो भी आप पे इफेक्ट करेगी। तो जो भी क्लटर आपके रूम में है, कपड़े पड़े हुए हैं, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, मेसीनेस है पूरे कमरे में, आपके सबकॉन्शियस को क्या सिग्नल जाएगा? आपकी लाइफ भी वैसी मैसी होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही मेस्ड अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, स्टिल कुछ चीजें होंगी भी तो बहुत मुश्किल से क्लटर के साथ होंगी, ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स के साथ होंगी। तो आपका एनवायरमेंट जहाँ पे आप रहते हो वो चीज भी बहुत मैटर करती है। तो ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग एंड चीजों को अपना बैलेंस रखो, जो चीज जरूरी नहीं है उसको घर से बाहर फेंको या फिर उसको डिस्कार्ड करो या फिर जो आपको करना है करो, बट जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक प्रॉपर चीजें बैलेंस होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ऑल्सो जहां पे आप सोते हो, बेडशीट, पिलो कवर, ये सब चीजें भी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, तो हर एक चीज का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप उनमें से हो जो यू डोंट लाइक टेकिंग शावर, मुझे काफी से लोग मिले हैं, दे आर लाइक कि ठंड में क्या नहाना ये सब करना, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट नहाना, शावर लेना। जब भी आप परेशान हो, दुखी हो या फिर आपका मन शांत ना हो, अच्छा शावर लेके आओ, ट्रस्ट में आपका माइंड वहीं पे शांत हो जाएगा। ये बहुत शावर जो होता है, नहाना जो होता है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रस्ट में। जैसे ही आप नहाते हैं आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, एंड जिस तरीके से आप नहाते हो ये चीजें मैटर करती है। तो मेक श्योर अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए आप सॉल्ट का यूज करें,
आप अपनी बकेट में थोड़ा नमक डाल के सीधा नमक डाल के नहाएं, इससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो क्लेंस हो जाएगी, जो ऑरा में फंसी हुई है सब निकल जाएगा। तो जो भी लोग जो हाइजीन नहीं फॉलो करते हो या फिर नहाते नहीं या फिर हेड वॉश नहीं करते हैं, हेड वॉश इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे फंसी हुई होती हैं वो सब निकल जाती हैं। हेड वॉश डेली करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, बट यू नो ऐसा नहीं है कि आप अगले हफ्ते कर रहे हो फिर लाइक बहुत लंबा टाइम ले रहे हो, तो ऐसा मत करो। हेड वॉश यानी समझो कि आप स्पिरिचुअली भी अपने आप क्लेंस कर रहे हो, सो आप इसे स्पिरिचुअली भी देखो। ये जस्ट नॉर्मल हैबिट्स नहीं है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकती हैं, ठीक है। आपकी से नेगेटिव एनर्जी भी क्लेंस होती है, ठीक। तो नहाना, हाइजीन, ये सब चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप उनमें से आपके आस पास आपके घर में जैसे भी बुरी बदबू आती है, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। बुरी बदबू क्या होती है, वाइब्रेशन लो करती है आपकी, ठीक। जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो आपकी वाइब्रेशंस आपको हाई करनी है, क्या करना है, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हो आप, यू नो अगरबत्ती धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हो। एक अच्छी सुगंध होनी चाहिए, जैसे सपोज करें गुलाब का फूल यू नो सूंघते हैं आपकी वाइब्रेशन एकदम से हाई होती है। बेसिकली फ्रेग्रेंसेस भी आपकी वाइब्रेशंस को इन्हांस करती हैं। एक और चीज़, अगर आप अपने शुक्र को यू नो स्ट्रांग करना चाहते हो, अपने वीनस प्लैनेट को स्ट्रांग करना चाहते हो, डेली आप परफ्यूम्स वेयर करना स्टार्ट करो। एंड ऐसा परफ्यूम लगाना है जो आपको यू नो अच्छा फील कराए, ना कि आपको स्ट्रांग या हेडेक दे, वो चीज़ नहीं करनी है। ये आपकी वाइब्रेशन पे इफेक्ट करती है। तो डेली नहा धो के आपने परफ्यूम्स लगाने हैं, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। वीनस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, ब्यूटी अपने आप मैनिफेस्ट होगी, अट्रैक्टिवनेस अपने आप मैनिफेस्ट होगी, साथ में बेसिकली क्या है कि आपका लग्जरी भी मैनिफेस्ट होगा। वीनस क्या देता है, लग्जरी देता है, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, गॉसिप एंड जेलेसी। सपोज करें कि आप किसी पर्सन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं एंड यू लाइक यू नो व्हाट, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ सो हुआ। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, सच बोल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो खुद गॉसिप करना चाहता नहीं है, बट उसके जो आसपास के लोग हैं दे आर लाइक कि वो आपको इन्वॉल्व करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें कट कर दो लोगों से, ऑब्वियसली हर एक रिलेशन ऐसे खत्म नहीं किया जाता है, बट यू नो टेल देम दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज जो भी हाई वाइब्रेशन लोग होते हैं वो कभी भी यू नो गॉसिप वगैरह में नहीं बढ़ते हैं। एंड काफ़ी ऐसे रीजंस हैं कि उनका एक बड़ा ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा से लाइक यू नो आइसोलेट होते हैं या फिर कह सकते हैं इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गॉसिप पीपल, ठीक है। अगर आपको हाई वाइब्रेशनल पर्सन बनना है, पहली चीज़ औरों की बुराई, औरों की गॉसिप करनी आप प्लीज़ बंद कर दें। एंड बाय द वे, गॉसिप कभी कभी हमें अच्छा फील करा सकती है फॉर अ टाइम। बेसिकली आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी आप अपने ऑरा में ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। तो किसी को अपनी एनर्जी देनी नहीं है, किसी से अपनी एनर्जी लेनी नहीं है, ये चीज़ समझो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेलेसी की। जेलेसी एक ऐसा इमोशन है जो सब बर्बाद करके रख सकता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी से जेलेसी फील होती भी है तो प्लीज़ ट्राई टू रिलीज इट। हाउ टू रिलीज इट, सिंपली उस थॉट को अपने माइंड में रखना है कि मैं इसको रिलीज कर रही हूँ एंड स्टार्ट चैंटिंग होप ओनो बोनो। जब भी आपको फील हो कि आपको जेलेसी वाला इमोशन आ रहा है, इट्स टोटली फाइन, यू आर ह्यूमन, इट्स ओके। जेलेसी अगर होती है, यू आर अ ह्यूमन, इट्स फाइन, बट यू शुड नो कि आप उसे कैसे रिलीज कर सकते हो। जैसे आपके माइंड में जेलेसी का थॉट आता है, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग होप ओनो बोनो प्रेयर, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, कुछ देर तक करना है। एंड जब आए तब आप इसको अपने माइंड में चैंट करना स्टार्ट कर दो। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, एक दिन आएगा, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ता, उसके बाद वो इमोशन ट्रस्ट मी विद दिस टेक्निक ऐसे खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको फील होना बंद हो जाएगी, आप एकदम से हील हो जाओगे, ठीक है। तो ट्राई टू रिलीज दिस जेलेसी। आप जितना जेलेस है किसी के बारे में बुरा सोचोगे ना, आप बेसिकली अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हो, इट इज अफेक्टिंग योर ऑरा, योर मैनिफेस्टेशंस। तो प्लीज स्टॉप जेलेसी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्लोज एंड नैरो माइंड। काफी ऐसे लोग होते हैं, दे थिंक कि हमें सब पता है, बस हो गया। दे आर लाइक अपने ही ईगो में, अपने एटीट्यूड में किसी को सुनना नहीं है, एंड दे आर लाइक मैं तो सबसे सुपीरियर हूँ, मुझे बस ये चीज़ें हैं, एंड यू नो यू आर नॉट ओपन। जो चीज़ें आप फॉलो करते आ रहे हो, यू जस्ट वॉन्ट कि और पर्सन भी उसको फॉलो करे। एंड यू आर यू नो आप किसी नई नॉलेज को सीखने के लिए ओपन नहीं हो, यू आर लाइक कि सब बकवास है, जो मुझे पता है वो सब सही है। ये एटीट्यूड भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। भले ही हो सकता है सपोज कोई पर्सन आपको कुछ चीज़ बता रहा हो, यू आर नॉट एग्री विथ समथिंग, इट्स टोटली फाइन, बट जस्ट लिसन एंड लेट इट गो। इंस्टेंट उसको जज करने से या फिर कुछ उसके बारे में बुरा सोचने से बेटर है जस्ट इग्नोर इट। हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है हर एक पर्सन के थॉट सेम नहीं होते हैं, राइट, फाइन, अगर आप यू नो किसी से रेजोनेट नहीं करते हो, बट डोंट यू डोंट हैव टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट समवन। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, बी ओपन माइंडेड, ओपन रहो, नई चीज सीखने के लिए ओपन रहो, जस्ट डोंट क्लोज योर सेल्फ। क्लोजिंग एंड बिल्कुल नहीं कि बस ये एटीट्यूड जो होता है ये भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है, तो
प्लीज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, थिंकिंग इल अबाउट अदर्स, कि काश इसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, कर्मा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी कुछ सोल्स होती हैं वो आपके साथ ऐसा करके जाती हैं जो आपको बहुत हर्ट करता है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। पहला तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद आपने कुछ ऐसा अपने ऑरा में फंसा रखा हो या कुछ सोच रहे होंगे जो ऐसा हो गया आपके साथ में, कोई फियर होगा वो मैनिफेस्ट हो गया। सेकेंड होता है आपका कर्मा, आपने कभी किसी पास्ट लाइफ में उस पर्सन को कुछ हर्ट किया हो या फिर कुछ किया हो उस पर्सन के साथ में, एंड इस लाइफ में उसने कर दिया, एंड नाउ यू आर थिंकिंग इल अबाउट अदर्स, पर्सन के बारे में बुरा चाह रहे हो, बुरा सोच रहे हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कुदरत को फिर से एक नया चांस दे रहे हो। अब ये फिर से पैटर्न रिपीट होगा एंड नेक्स्ट लाइफ में फिर से कुछ साइकिल रिपीट होगा एंड देन अगेन ये साइकिल खत्म ही नहीं होगा। तो हमेशा अगर आपने कर्माओं काटना है, उस चीज को वहीं छोड़ो, कट करो, लेट गो करो, एंड उस पर्सन को माफ करो एंड अपने आप को माफ करो एंड आगे बढ़ो। ये ना घूमता चला जाएगा एंड ये आपका जो साइकिल है, साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा एंड कब तक चलेगा। तो अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो जस्ट लेट गो एंड फॉरगिव एवरीवन एंड फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अब्यूजिंग समवन, किसी के पीछे, ये तो ऐसा है, बैक बिचिंग करना, ये चीज भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एक होता है विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी क्या है, मेरे साथ तो उसने ऐसा कर दिया, मतलब हो सकता है कि उस पर्सन ने भी कुछ किया हो उस पर्सन के साथ में, किसी और के साथ में, बट वो पर्सन अपने आप को एज अ विक्टिम दिखाएगा एंड सबके सामने बोलेगा उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, मैं ये परेशान था, वो था, ये था। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप जितना इस चीज़ को बोलोगे या फिर औरों को सुनाओगे, जो भी है, ये आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट दीज थिंग्स। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत बड़े बड़े आपकी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। खुद को विक्टिम दिखाना, खुद की नज़रों में, सबकी नज़रों में, इट्स नॉट अ गुड थिंग, आपको आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर रहा है। इफ़ यू आर डूइंग इट, स्टॉप राइट देयर एंड अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो एंड सब ठीक है, ट्रस्ट मी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सोशल मीडिया, जो कि बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब सोशल मीडिया पे हैं, राइट, एंड हर एक पर्सन जो है, हर एक अकाउंट है एंड दे आर वॉचिंग डिफरेंट रील्स एंड कॉमेंट्स चल रहे हैं सबकी, यू नो, इल इंटेंशंस भी हैं, अच्छे इंटेंशंस भी हैं, सब टाइप के लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। कुछ लोग बैश कर रहे होते हैं अगले पर्सन को, कुछ लोग किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान के अगर मन में होगा वो सामने से नहीं बोल सकता है, वो सोशल मीडिया पे, यू नो, अननोन अकाउंट बना के कॉमेंट कर देगा, अपनी नेगेटिविटी, फुल फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। सोशल मीडिया ऑब्वियसली टॉक्सिक है, नेगेटिविटी है, बट ये चीज़ ऑब्वियसली पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि एक साइड सोशल मीडिया की बहुत अच्छी है, नॉलेज भी है, आपकी हेल्प होती है, आप बहुत कुछ सीखते हो वहाँ से, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट राइट एंड काफ़ी लोगों की वो रोजी रोटी भी है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बट डिपेंड करता है आप किस टाइप के पेजेस को फॉलो करते हो, किस टाइप के लोगों को आप फॉलो करते हो, किस टाइप की एनर्जी आप अपने अकाउंट में रखते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। ऑल्सो सोशल मीडिया पे बहुत जेलेसी भी होती है, बिकॉज लोग जो दिखाते हैं एंड सामने वाला वही समझता है कि लाइक दिस इज़ ट्रू, बट हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है। सो जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हो, दैट इज़ नॉट ट्रू, बहुत कुछ है जो यू नो उनके पीछे हिडन होता है। तो मेक श्योर आप किस टाइप की एनर्जीज को फॉलो करते हो, अपने अकाउंट पे रखते हो, उनको देखते हो, किसी मोटिवेशनल चीज़ों को फॉलो करो या फिर लोगों को फॉलो करो जो आपको हेल्प करें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, फिर आपकी यू नो करियर में, ग्रोथ में। इंस्टेड उन लोगों को बिल्कुल फॉलो मत करो जो आपको यू नो इनसिक्योर फील कराते हैं अपने बारे में, या फिर नेगेटिव फील कराते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते हो, या फिर आप जेलेसी फील करते हो, आप इस टाइप के इमोशन फील करते हो, जिनको देखते यू फील जेलेसी और नेगेटिव इमोशन, आपकी वाइब्रेशन उससे डाउन हो रही है। तो मेक श्योर आप किस टाइप के अकाउंट्स को या फिर पेजेस को फॉलो करते हो, दैट इज इट। अब बात कर लेते हैं जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म की। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल सोशल मीडिया का, कि लोग बिना बात यू नो जज करते रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया है, ये क्या है, वो क्या है, लोग अपनी यहाँ दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बेसिकली जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म फॉर नो रीजन, ठीक है, ये भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जो करना है करने दो, बट अपनी वाइब्रेशन को डाउन मत करो, ठीक है। जिसको जो करना है, जिसको जो पहनना है, जिसको जैसे रहना है रहने दो, इट्स देयर लाइफ, वी आर नो वन टू जज एनी वन। किसी को क्रिटिसाइज करने वाले हम होते कौन है, ठीक है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है हमारा, एंड आई कैन से कि हाँ मैं इस पर्सन को जज करने लायक हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली नो वन इज परफेक्ट, ना आप ना मैं। जजमेंट एंड क्रिटिसाइज करना भी आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बट ये आपकी वाइब्रेशन को डाउन करती हैं। ये एक मोटिवेशनल लेक्चर नहीं था, बट ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपकी वाइब्रेशन को ये सब चीज़ें डाउन करती हैं। तो बी माइंडफुल अबाउट थिंग्स, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जैसे इमोशंस आप रिफ्लेक्ट करते हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इफ़ यू हैव सम पास्ट ट्रॉमा और एनीथिंग, आप उस पर उसकी हीलिंग करो, उस चीज़ को निकालो। हो सकता है कुछ बचपन में आपके साथ हुआ हो जो आपके एंगर को ट्रिगर कर रहा हो, तो ट्रिगर्स पकड़ना स्टार्ट करो, शैडो वर्क करो,
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. मैनिफेस्टेशन ठीक है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें मिल गई, मैनिफेस्ट हो गया. आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैटर करती है यहाँ पे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपनी विशेस को फुलफिल कर लिया एंड दैट इज़ इट. आप क्या बन रहे हो, आप स्पिरिचुअली क्या बन रहे हो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं. ठीक है, तो इवॉल्व होना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज, व्हाट इज अफेक्टिंग यू. तो अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, क्या ये सब चीज़ें आप कर रहे हो या फिर ये सब चीज़ें आपके एनवायरमेंट में है, नोटिस करो. चीज़ें धीरे 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 होंगी. एंड आई एम सो सॉरी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर आप यू नो इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, इतनी टेक्निक्स कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, प्लीज़ इस बात पे भी ध्यान दो. इट विल रियली हेल्प यू. ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए. आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल, आई लव यू. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें. सो मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.